सनसनी ऑफ इंडिया। दक्षिण पूर्व जिले के स्पेशल स्टाफ ने दिल्ली में जगह जगह लगे फ्री वाईफाई की मदद से एक शातिर मोबाइल स्नैचर को धर दबोचा है। आरोपी मोबाइल स्नैचिंग के तुरंत बाद सिम को तोड़कर फेंक देता था और साथ फोन को फॉर्मेट भी कर लेता था। आरोपी से चोरी का एक फोन ऑन रह गया था। फोन ऑन होते ही दिल्ली सरकार के लगे फ्री वाईफाई की रेंज में आने से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया और आरोपी दबोचा गया। आरोपी की पहचान इस्माइलपुर फरीदाबाद हरियाणा निवासी 28 वर्षीय दीपक उर्फ दीपू के रूप में हुई। आरोपी के पास से स्नैचिंग के 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जिले में मोबाइल चोरी और लूट करने वाले स्नैचर ने आतंक मचा रखा था। दक्षिण पूर्व जिले में स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने व स्नैचर को जल्द से जल्द दबोचने के लिए दक्षिण पूर्व जिले की डीसीपी ऐशा पाड़े ने स्पेशल स्टाफ के एसआई प्रदीप, एएसआई राजबीर, श्यामवीर, हेड कांस्टेबल प्यारेलाल, पवन कांस्टेबल प्रवेश, विपिन और सोनू की एक टीम का गठन किया। दक्षिण पूर्व जिले की स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में सक्रिय कुख्यात मोबाइल चोरों के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर उन पर निगरानी शुरू की और साथ ही दिल्ली एनसीआर में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। स्पेशल स्टाफ की एक टीम दक्षिण पूर्व जिले से चोरी हुए मोबाइलों की आईएमईआई नंबर को सर्विलांस पर लगाकर नजर रखने लगी। जांच में स्पेशल स्टाफ की टेक्निकल टीम को पता चला कि हाल ही के दिनों में दक्षिण पूर्व जिले से चोरी हुए मोबाइलों में से एक मोबाइल वाईफाई इंटरनेट की रेंज में आकर एक्टिव हुआ है। टीम ने तुरंत मोबाइल को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर लगाकर मोबाइल में एक्टिव वाईफाई इंटरनेट के आईपी एड्रेस से लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया। चोरी हुए मोबाइल की लोकेशन आश्रम की तरफ से मदनपुर खादर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। दक्षिण पूर्व जिले की डीसीपी ऐशा पाड़े आरोपी को दबोचने का यह मौका हाथ से नहीं निकलने देना चाहती थी। डीसीपी ऐशा पाड़े की सुपरविजन में मदनपुर खादर की रेड लाइट पर चारों तरफ से घेराबंदी कर स्पेशल स्टाफ के एसआई प्रदीप, एएसआई राजबीर, श्यामवीर, हेड कांस्टेबल प्यारेलाल, पवन कांस्टेबल प्रवेश, विपिन और सोनू ने अपना जाल बिछा दिया। थोड़ी देर बाद एक सस्पेक्ट व्यक्ति पॉलीथिन का थैला लेकर मदनपुर खादर की रेड लाइट की तरफ आता दिखाई दिया। स्पेशल स्टाफ की टेक्निकल टीम ने इशारा दिया कि चोरी के मोबाइल की लोकेशन सस्पेक्ट व्यक्ति के पास से आ रही है। टीम ने तुरंत सस्पेक्ट व्यक्ति को दबोच लिया। उसके पॉलीथिन बैग की जांच करने पर उसमें 4 मोबाइल फोन मिले। उन मोबाइल फोन के मालिकाना हक के बारे में पूछने पर सस्पेक्ट व्यक्ति कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पूछताछ करने पर सस्पेक्ट व्यक्ति की पहचान इस्माइलपुर फरीदाबाद हरियाणा निवासी 28 वर्षीय दीपक उर्फ दीपू पुत्र अर्जुन सिंह के रूप में हुई। जांच में आरोपी ने बताया कि उसने बदरपुर, पुल प्रहलादपुर और गोविंदपुरी इलाकों में मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपी के पास से चोरी के 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। जांच में पता चला कि आरोपी आदतन अपराधी है, इसके खिलाफ पहले भी चोरी के 2 मामले दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने 10वीं तक पढ़ाई की है। आजीविका कमाने के लिए उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो मोबाइल स्नैचिंग के तुरंत बाद सिम को तोड़कर फेंक देता था और साथ फोन को फॉर्मेट भी कर लेता था। जांच टीम ने बताया कि आरोपी ने चोरी के मोबाइल फोन से सिम निकालकर फोन फॉर्मेट कर दिए थे, लेकिन चोरी का एक फोन ऑन रह गया था। फोन ऑन होते ही दिल्ली सरकार के लगे फ्री वाईफाई की रेंज में आने से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया था। दक्षिण पूर्व जिला स्पेशल स्टाफ की टेक्निकल टीम ने वाईफाई के आईपी एड्रेस की लोकेशन की मदद से आरोपी को दबोच लिया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया कड़ी नजर खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।